हेलो, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू केंद्रीय विद्यालय संगठन कोलकाता रीजन। सुप्रभात सभी को। केंद्रीय विद्यालय संगठन कोलकाता संभाग में आपका स्वागत है। मैं श्रीमान रविंद्र कुमार झांकर, प्रधान अध्यापक केंद्रीय विद्यालय हासीमारा, जातीय खेल दिवस के अवसर पर आप सभी को केंद्रीय विद्यालय हासीमारा परिवार की ओर से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। मायसेल्फ मिस्टर रविंद्र कुमार झांकर, हेडमास्टर केंद्रीय विद्यालय हासीमारा, वेलकम यू ऑल on this grand occasion, National Sports Day celebration. Welcome, welcome, welcome. उनतीस अगस्त आज के दिन हमारे देश में राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में पालन किया जा रहा है। 29 अगस्त इज बींग सेलिब्रेटेड एज नेशनल स्पोर्ट्स डे ऑल ओवर इंडिया एंड दिस डे इज डेडिकेटेड टू द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ ग्रेट पर्सनैलिटी, ग्रेट हॉकी प्लेयर ध्यानचंद। सो डियर फ्रेंड्स, डियर चिल्ड्रेन, लेट्स सेलिब्रेट दिस डे विथ ग्रेट एंथुसियाज्म। Accept the rules and regulation of sports and games and implement it in our life. Major Dhyan Chand, Kimbadanti Nayak, jinka janm 29 अगस्त 1905 को हुआ और उनका देहांत हुआ 3 दिसंबर 1979। इस 75 साल के जीवन में इन्होंने भारतीय हॉकी को विश्व जगत में, भारतवर्ष को विश्व गुरु बनाया। इस महात्मा को उनके जन्म तिथि पर नमन करते हैं। सत सत नमन, सत सत नमन। ध्यानचंद वॉज एन इंडियन फील्ड हॉकी प्लेयर हु इज वाइडली कंसिडर्ड as the greatest field hockey player of all time. Chand is most remembered for his extraordinary goal scoring feats and was nicknamed the Wizard. He played a pivotal role in earning 3 Olympic gold medals in 1928, 1932 and 1936 in field hockey, during an era where India was the most dominant team in hockey. This grand celebration, grand occasion, I am going to highlight about yoga. What is yoga? Yoga, the word yoga originates from Sanskrit word use,
used is the root word which means to bind or to yoke or to join or to merge or to integrate. The ultimate goal of yoga is moksha, liberation. Patanjali. Patanjali was a sage in India, the author of the Yoga Sutras. Yogena chittasya padena vacham, malam sarirasya chavedakena. Yupakarottam pravaram muninam patanjalim pranjalira natosmi. I bow with my hands together to the eminent sage Patanjali, who removed the impurities of the mind through yoga, of speech through grammar, and of the body through medicine. Yoga Karmasu Kausalam. Yoga Karmasu Kausalam. Vyayamat Labhate Swastyam Dirghayusyam Balam Sukham. Vyayamat Labhate Swastyam Dirghayusyam Balam Sukham. Arogyam Paramam Bhagyam Swastyam Sarvartha Sadhanam. Vyayam se Swastya, Lambi Ayu, बल और सुख की प्राप्ति होती है। निरोगी होना परम भाग्य है और स्वास्थ्य से अन्य सभी कार्य सिद्ध होते हैं। योग कर्मसु कौशलम। योग कर्मसु कौशलम। व्यायामात लभते स्वास्थ्यम दीर्घायुष्यम बलम सुखम। व्यायामात लभते स्वास्थ्यम दीर्घायुष्यम बलम सुखम आरोग्यम परमम भाग्यम स्वास्थ्यम सर्वार्थ साधनम। व्यायाम से स्वास्थ्य, लंबी आयु, बल और सुख की प्राप्ति होती है। निरोगी होना परम भाग्य है और स्वास्थ्य से अन्य सभी कार्य सिद्ध होते हैं। योग सही तरह से जीने का विज्ञान है और इसलिए इसे दैनिक जीवन में शामिल किया जाना चाहिए। ये हमारे जीवन से जुड़े भौतिक, मानसिक, भावनात्मक, आत्मिक और आध्यात्मिक आदि सभी पहलुओं पर काम करता है। योग का अर्थ एकता या बांधना है। यह योग या एकता आसन, प्राणायाम, मुद्रा, बंध, षटकर्म और ध्यान के अभ्यास के माध्यम से प्राप्त होती है। बेनिफिट्स ऑफ योगा। योगा इंक्रीज्ड फ्लेक्सिबिलिटी, इंक्रीज्ड मसल स्ट्रेंथ एंड टोन, इंप्रूव्ड रेस्पिरेशन, एनर्जी एंड वाइटलिटी, maintaining a balanced metabolism, weight reduction, cardio and circulatory health, improved athletic performance, protection from injury. So these are the benefits of yoga, as well as concentration of mind and spirit. Yoga एक आध्यात्मिक प्रक्रिया है जिसमें शरीर, मन और आत्मा को एक साथ लाने योग का काम होता है। यह शब्द, प्रक्रिया और धारणा हिंदू धर्म, जैन धर्म और बौद्ध धर्म में ध्यान प्रक्रिया से संबंधित है। योग शब्द भारत से
बौद्ध धर्म के साथ चीन, जापान, तिब्बत, दक्षिण पूर्व एशिया और श्रीलंका में भी फैल गया है और इस समय सारे सभ्य जगत में लोग इससे परिचित हैं। प्रसिद्धि के बाद पहली बार 11 दिसंबर 2014 को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने प्रत्येक वर्ष 21 जून को विश्व योग दिवस के रूप में मान्यता दी। Good morning to all. Happy International Yoga Day to all. अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर आप सभी को अभिनंदन. The International Day of Yoga has been celebrated annually on 21st June since 2015, following its inception in the United Nations General Assembly in 2014. Yoga is a physical, mental and spiritual practice which originated in India. This year also we are celebrating International Yoga Day on 21st June 2020. Today it is Sunday. Significance of this day. Official United Nations promotions of global health, harmony and peace. So, once again, Happy International Yoga Day to all. अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर आप सभी को अभिनंदन. घर में रहें, योग करें और सुरक्षित रहें और कोरोना से डट कर मुकाबला करें. पवन मुक्तासन.
डियर फ्रेंड्स एंड माय डियर चिल्ड्रेन, एज यू नो ड्यू टू पेंडेमिक COVID-19 कोरोना वायरस दिस ईयर इंटरनेशनल योगा डे इज बीइंग सेलिब्रेटेड वर्चुअली। ऑल द पीपल ऑफ आवर इंडिया दे डेमोन्स्ट्रेटेड एंड प्रैक्टिस्ड योगा, postures of yoga at home. So in this connection, in our vidyalaya, our children also they practiced yoga and demonstrated postures of yoga at home. You can see the pictures of the yoga demonstration by our children. So thank you dear friends and dear children. Once again I congratulate you on this grand occasion of virtual National Sports Day, celebrate it and implement it in our life. Thank you, thank you, thank you.